नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रशांत आर्ट के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलर कैसे करना है, देन उसके बाद उसको स्मज पेंटिंग कैसे करना है। इस वीडियो में मैंने वो पूरा प्रोसीजर नहीं बताया है, खाली उसमें एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि किस तरह से अपने काम को कंप्लीट करना है। ओके, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर और वो टेक्निक आपको आसान लगती है तो आप उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ को करने के हज़ारों तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझे आसान लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है, वीडियो भी बहुत नॉलेजेबल है रहेगी आपके लिए। इसे अंत तक पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों में को इस चीज़ में इंटरेस्ट है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मेरे पास ये राजेश खन्ना का फोटो अवेलेबल है, इसके ऊपर है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले तो हमें सिर्फ इतना राजेश खन्ना का इतना फोटो लेना है, तो इतना मैंने सिलेक्शन कर लिया और कंट्रोल सी करके कॉपी कर दिया। तो पहले तो मैंने क्या किया, A4 साइज क्रिएट कर दिया, फाइल में जाके A4 साइज क्रिएट कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी ऐड कर दूंगा ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते वो टेक्स्ट देखे सभी चीज़ें आसानी से समझ सके। ओके, तो पहले मैंने क्या किया, A4 साइज का पेपर क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैंने जो इतना कट किया था इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, या इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी ऐसे कर सकते हैं। फोटो को अपने इस साइज पे ले लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो पेन टूल से मैंने अपना जो बैकग्राउंड है उतना सिलेक्ट करके 2% फेदर देके उसको रिमूव कर दिया। ओके, उसके बाद क्या किया, मैंने उसका जो टोन था वो टोन रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल ऐसा था, एक येलोइश ओल्ड फोटो का जो टोन होता है वो टोन मैंने निकाल दिया है, और ताकि उसको कंट्रोल शिफ्ट यू दबाएंगे तो ऐसा प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये है तो दिखने के लिए ब्लैक एंड वाइट फोटो, उसके ऊपर येलो टोन आ गया है, पुराना होता है तो येलो टोन आ जाता है इस तरह से, तो उसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट यू करके उसका रिमूव कर दिया है। ये बीच वाला डंडी इधर खिसकाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ स्किन को सिलेक्ट कर लिया और उसको कंट्रोल बी बटन दबा के सिर्फ ये स्किन जो का पार्ट है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा के उसको ऐसा मैंने जो रेड कलर कर दिया जो चाहिए और थोड़ा येलो मिक्स कर दिया तो वो स्किन टोन हो गया। ओके, उसके बाद स्किन टोन ऐड करने के बाद मैंने हेयर में जो कलर था उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्किन के साथ साथ चश्मे पे भी और हेयर में भी वो रेड टोन आ गया है। स्किन पे तो ठीक है पर हेयर में नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, वो अननेसेसरी कलर था उसको रिमूव कर दिया। ओके, उसमें एक न्यू लेयर लेके ब्लेंडिंग मोड कलर करके वहाँ पे व्हाइट कलर डाल देंगे तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। ओके, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्किन को स्मज कर दिया। आप देख सकते हैं स्किन को मैंने स्मज कर दिया। वो कैसा करना है ये मैंने इससे पहले के वीडियो है उसमें भी बताया कि कैसे स्मजिंग करना है, आगे के वीडियो रहेंगे उसमें भी और अच्छे तरीके से मैं जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, जो नॉइज था वो निकाल दिया, स्किन को स्मज कर दिया, जो भी छोटी छोटी डिटेल थी लिप्स की वगैरह वो थोड़ी ऐड कर दी, हाईलाइट वगैरह ऐड कर दिया है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड क्रिएट किया है और डिसेंट सा बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया है और ये अपने फोटो के पीछे डाल दिया है। ओके, इसके बाल तो वैसे ही, उसको खाली मैंने स्मज कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या किया, जो बालों की जो डिटेल थी उसमें ब्रश स्ट्रोक डाल दिया है, थोड़ा जहाँ जहाँ लाइट आती है वहाँ पे लाइट डाल दिया है, ये एक दो जो बाहर निकले हुए हेयर होते हैं
उसको थोड़ा निकाल दिया है, ये साइड में थोड़ा हल्का सा ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया है, ये साइड में हल्का सा पर्पल कलर अप्लाई कर दिया है, और वही कलर मैं बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं। यहाँ नॉर्मल हल्का सा बैकग्राउंड में भी थोड़ा ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ थोड़ा पर्पल है, तो बालों में भी वही कलर ऐड कर दिया है ताकि वो थोड़ा मैच हो सके। ओके, उसके बाद जो शर्ट की डिटेल थी वो नहीं थी, तो मैंने वो डिटेल डाल दी है। आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल शर्ट ऐसा था, उसके बाद मैंने डिटेल डाल के वहाँ पेन वगैरह डाल के जेब डाल के, यहाँ की कॉलर की डिटेल नहीं दिख रही थी कि ब्लर दिख रहा था, तो मैंने क्या किया वो स्मज करके डिटेल ऐड कर दी है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी और का शर्ट कट कर दो, उसके ऊपर मैच कर दो और देन उसको स्मज कर दो तो मैच हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो भी छोटी छोटी नॉइज था, डिटेल थी, वो अच्छे तरीके से करके अपने वर्क को फाइनल कर दिया है मैंने। ओके, जो भी फिनिशिंग करना था वो कर दिया है। ओके, देख सकते हैं कि ओरिजिनल फोटो ऐसा था और बनने के बाद ऐसा हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि पहले कैसा था और मैंने बनाने के बाद कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हैं कि चश्मे के अंदर की डिटेल स्मज कर दी है, नॉइज निकाल दिया है, और हल्का सा उसमें ब्लू कलर भी ऐड कर दिया है, लिप का कलर ऐड कर दिया है, स्किन के ऊपर पूरा जो नॉइज था, डिटेल मिसिंग थी, वो ऐड कर दिए, लिप की डिटेल ऐड कर दिए, उसमें लिप का कलर भी ऐड कर दिया है, जो शर्ट की डिटेल नहीं थी वो भी ऐड कर दिए है। बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, ऐसा पहले था और बनने के बाद ऐसा है। और ये 10 स्टेप से आप अपना वर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ गई होगी। जो भी हो सके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछिए, उसका मैं ट्राई करूंगा आंसर देने के लिए, या उसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा। ओके, आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।